नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्सी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयरटेल के मित्रा एप्लीकेशन के ऊपर। और आज ये एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एयरटेल मित्रा ऐप जो रिचार्ज सिस्टम उसके ऊपर। अगर आप एक शॉप है आपके पास रिचार्ज सर्विस वगैरह यूज़ करते हो तो आप जरूर एयरटेल के ई रिचार्ज सिम रखे हों, जहाँ पर इसका रिचार्ज करें फंक्शन मित्रा ऐप के थ्रू हमें करने को यहाँ मिल जाता है। और इसमें कमाल की नई एकदम न्यू चीज़ इंक्लूड किया, जिस देख के आपका मन काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इसमें भी है जिसको नहीं हो रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो वीडियो में तो बने रहिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पहली बार आए हो, नए आए हो, ऐसे ही नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट गेमिंग टेक एंड टेक्नोलॉजी के फैक्ट पाने के साथ बिल्कुल हम लेट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधा चलते हैं अपने रिचार्ज सेक्शन के ऊपर, हम गेट बैलेंस करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो बैलेंस अभी वो 13.94 रुपये है, यानी मेरा बैलेंस जो वो अभी नहीं है मेरे अकाउंट में। अब बैलेंस खत्म होने में क्या करते हैं, आपके जो रिचार्ज करने का जो FSC आते हैं एयरटेल की तरफ से, वो आपको ई रिचार्ज डाल के जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पे कभी आप UPI भी करो तो कॉल पे आपको करता है। लेकिन एयरटेल ने इन सब चीज़ों को देखते हुए जियो के नक्शे कदम चलते हुए, जियो ने अभी ऑटो रिफिल कर दिया है, ऑटो गिरा फिर दो। ये थोड़ी ऑटो रिफिल मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट जो होता है वहाँ पे फंस के रह जाता है। एज ए अमाउंट तो हमारा ही है, लेकिन उस पोर्टल पे रह जाता है, जो जितना डेली गिरता है उतना बढ़ता जाता है। तो एयरटेल में बैलेंस खत्म हो गया, तो मैंने देखा कि जब से लेटेस्ट बना, अगर इसे आप अपडेट करोगे तो सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे परचेस लैपो बैलेंस ये न्यू करके इंक्लूड किया गया है। इस वजह से ही टैप करोगे आपको तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको जो भी डिटेल होते हैं अमाउंट वगैरह देखने को, आप जितना अमाउंट आप चाहो तो आप 5000 तक ले सकते हो, चाहो तो आप 500 भी ले सकते हो। एंड आप कम लो या ज़्यादा, जो प्रॉफिट है आपको जो है 3% वो इंस्टेंट मिलता है, प्लस एक्स्ट्रा 1-3% जो होता है वो कस्टमर के ऑफर के हिसाब से आपको फिर वो क्रेडिट किया जाता है। मैंने मान लो 500 रुपये हमको डिपोजिट करना है, मुझे कोई पैसे जान देते कोई नहीं, मेरे अपने UPI से मुझे ऐड करेंगे मनी, तो यहाँ पे 500 रुपये 15 रुपये हम इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब 1000 करना है तो 30 रुपये, 2000 करना है तो 2060 रुपये, और 5000 करना है तो 5150 रुपये। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार, ये नहीं कि ज़बरदस्ती है कि आपको इतना लेना पड़ेगा, पैसा हो ना हो आपको जितना है आप यूज़ करो, खत्म होता है फिर ऐड करो फिर यूज़ करो। जैसे ही आप इस पर 500 ही करना, मैंने यहाँ पे करता हूँ और लैपटॉप पर टैप करता हूँ, तो आप जैसे अगला पेज प्रोसीड होगा एंड वहाँ पे आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको शो करेंगे। नीचे आपके UPI गेटवे मिलेंगे, उसके नीचे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही अगला पेज वहाँ पे क्लिक करोगे पेमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको आपके नंबर बगल में एडिट का ऑप्शन पता नहीं क्यों दिया हुआ, जैसे एडिट पर टैप करोगे आपको तो यहाँ पे उसे चेंज करें ऑप्शन मिल जाए, और ईमेल आईडी ऑप्शनल के तौर पे आपको यहाँ से मांगा जाएगा। तो आप ये दो चीज़ अपने साथ करना, या फिर इसे छेड़ना मत और आप इसे नॉर्मली बैक आकर आगे की ओर नीचे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली आप फिर से में पेमेंट हो जाते हैं एंड यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पेमेंट मोड, तो यहाँ पे UPI फोन पे सबसे ज़्यादा यूज़ करता है लोग। गूगल पे सर्वर आजकल सही नहीं चल रहा है, उसका यूज़ करते हैं। बाकी अदर UPI ऑफ इंटरनेट पेमेंट यूजिंग UPI ऐप बहुत सारे हैं जो तुरंत इंस्टेंट पेमेंट जो होती है ना एप्लीकेशन के ऊपर खुल जाएगा, वो सिस्टम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट में टैप करके दिखा दूँ, या फोन पे गूगल पे पेटीएम, तो मैं पेटीएम सेलेक्ट करता हूँ। मैं 500 रुपये का रिफिल सक्सेसफुली आपको सामने करके दिखाता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, बस सिम लेने के लिए आपको जो सिम सेल करते हो आपको उस FSC की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप रिचार्ज वगैरह खुद से ऐड करो, खुद से ऐड करो। ये सिस्टम मुझे सोचा था बहुत पहले कंपनी बनानी चाहिए थी, क्योंकि पेमेंट जो है हम उनको जो मोड पे देते हो, डायरेक्ट हम कंपनी को ही पे करें और रिचार्ज ले लें, और जो हमारे कमीशन होते हैं इंस्टेंट हमें क्रेडिट कर दिया जाए, वो बढ़िया सिस्टम था। तो कंपनी लेट लाई, लेकिन लाई जरूर अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे पेपर टैप करते हैं और हमारा सीधा ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर। एंड यहाँ देख सकते हैं पेमेंट हमारा आ गया एयरटेल, इसके रिमार्क है और 500 रुपये अमाउंट ऑटोमेटिक फिल है। यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर .rzp, ये RZP जो ना ये रेजर पे गोल्ड पिन, ये पूरा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित हो गया पेपल की तरह, कि पेन ट्रांजेक्शन करने के लिए रेजर गोल्ड रेजर पिन यूज़ करता है। ऐप बाकी एक्सिस बैंक करके UPI आईडी इनका है, हम यहाँ पे सिंपली अपना UPI पिन डालकर हम इसे प्रोसीड करके सक्सेस कर लेते हैं। तो हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और वापस से अपने एप्लीकेशन ऊपर रिडक्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो पेमेंट कर हमें मिलने को वेट कर रहे हैं, और यहाँ बार बैक करके हमारा यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन आईडी हमें शो कर दिया है, जो वहाँ पे भी सेम था जो पेटीएम के वहाँ पे लिखा हुआ में था। एंड यहाँ पे 515 रुपये हमारे क्रेडिट कर दिए गए। चलते हैं अंदर और एप्लीकेशन ऊपर चेक करते हैं कि हमारा पेमेंट आ गया या नहीं आया। तो हम चेक करते हैं रिचार्ज पे और टैप करते हैं गेट बैलेंस पे, तो हमारे पहले के कुछ रुपए थे और 15 रुपये 515 इंक्लूड कर दिए गए। तो ये काफ़ी सा अच्छा सा है कि आपको जितनी की जरूरत है उतने लो। मुझे लगता है ये जियो को भी ऐसी लानी चाहिए थी कि जितनी जरूरत है उतने ऐड कर ले। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होगा
कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो एपएससी अपॉइंट करते हैं, उनको मंथली देना पड़ा 10,000 से ऊपर ही उनका तनख्वाह रहता है। मैं एक नॉर्मल कम से कम बताया, तो वहाँ पे उनकी जरूरत कम पड़ेगी। अब यहाँ पे पेमेंट जो है प्रॉफिट कम रहेगा, प्रॉफिट होता है कंपनी प्रॉफिट डायरेक्ट आपको दे उनके बदले, या डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन करे, कंपनी को प्रॉफिट हो वो अलग की बात है। तो हमें यहाँ सुविधा जो कस्टमर को मिलेगा अगर उनको इन्वेस्टमेंट खर्च कम लगे। बाकी सिम सेल वगैरह का ऑप्शन तो कभी कभी आप हमें रोज सिम नहीं लेते हो, आप रिचार्ज रोज लेते होंगे लेकिन सिम रोज आप एफएससी से जो आते हैं एयरटेल के है ना या जियो के, उनसे डेली नहीं लेते होगे। तो ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट जियो भी यूज़ करे तो वो एक सिक्योरिटी अमाउंट जो हमारा फंस जाता है, जैसे कि जो लोग 4,000 है, कुछ लोग 2,000, कुछ लोग 10,000 रुपये है, तो पैसे उन्हीं के लेकिन वर्चुअल रूप से उस एप्लीकेशन के ऊपर आप डेली अगर 2,000 खर्च कर रहे हैं, 3,000 रिचार्ज सेल कर रहे हैं, तो वो घटता है, फिर उनको पेमेंट करना पड़ता था, हमारा पैसा वहाँ पर होल्ड हो जाता था। ये होल्ड का सिस्टम हटना चाहिए और जो मनी आपको इस प्रकार से ऐड कर रहे हो या बीच में पैसे जो उतना हमें सिम लगती तो आप जाकर ऑफिस जाकर ले सकते हो। ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट एयरटेल का है, मैं इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि यूज़ करने के लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ख़राब यह है कि यहाँ अगर मान लो यहाँ एक नंबर डालने का ऑप्शन है, अगर मान लो कोई भी एक एयरटेल का नंबर चूज़ कर यहाँ पे आप डालोगे, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे कोई एक नंबर यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे ये ऑप्शन पॉपअप कर आता है ना रिचार्ज विद बंडल करके, तो ये नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग इतने नॉलेजबल है कि हम इसे देख सकते हैं कौन सा चीज़ बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, तो हम यहाँ पे स्किप करना पड़ता नंबर डालने का। तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जैसे ये ऑप्शन आ जाता है कस्टमर के जो नंबर होते हैं दोबारा क्रॉस चेक मैच करने के लिए जो डिटेल आती है वहाँ हाइड हो जाता है, फिर हम स्किप करो, फिर दिखाते हैं नंबर मैच करने के लिए, बाकी बहुत सारे ऑफर यहाँ पे शो करता है उन्हें से बताते हैं। मान लीजिए हमें कोई 129 का ऑफर हमें पसंद आई, हम टैप किया और सबमिट उसे टैप करते हैं, कभी कभी ये डायरेक्टली ले लेगा लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक दो ऑप्शन ये वो भी मोड खराब है, एयरटेल पेमेंट बहुत कम ही लोग पेमेंट करते हैं ज़्यादातर, अब तो ये ऑप्शन आने के बाद ये ऑप्शन खत्म करना चाहिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि रिचार्ज अनदर रिप्लेस रिचार्ज का ऑप्शन देते हैं, मान लीजिए 149 को तो 179 का ऑप्शन शो करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली आप अमाउंट डालो जो पसंद है वो कर रहा है वो लिए एंड उसे डायरेक्टली हम प्रोसीड करके पेमेंट करते, ये कोई नहीं कि लुभावना ये नहीं करो ये करो, क्योंकि कस्टमर घर से डील करके आता है उसे मालूम रहता है कि इतने कर चाहिए इतना ही करना है, कोई स्पेशली नहीं आता है। तो कंपनी सब चीज़ों को हटानी चाहिए, जितना सिंपल ईजी टू यूज़ होगा एप्लीकेशन उतना ही ज़्यादा यूज़ करने को बेहतर रहे और लोग पसंद भी करें, ज़्यादा तमाम जमाम इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतना लोग यूज़ नहीं करता है। हाँ तो मैं इसी प्लान के ऊपर बात कर, मैंने एक नंबर डाला और यहाँ पे मैंने 249 रुपये का 19 का मैंने प्लान मारा, ठीक है, तो यहाँ से 219 से कस्टमर मान लो 219 ही देने को डन है, वो मालूम है 249 का ही प्लान 1.5 GB पर डे, 219 में 1 GB पर डे। अब अगर गलती से हमारा टैप करने ऊपर टैप हो गया तो यहाँ पे हमारा नुकसान हमारा होगा, तो ये ऑप्शन पॉपअप एज वगैरह है एयरटेल को ख़त्म करने चाहिए, ये बहुत ही वाहियात सा चीज़ देखने को मुझे लगता है। जो मुझे इस टाइप के जो एयरटेल के सर्विसेज है नई चीज़ इंक्लूड की काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आया, लेकिन ये जो है ना प्रचार प्रसार करके ये काफ़ी गंदा सा लगा मुझे, जो बिल्कुल पता था। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर बताना कि आपको भी ऐसी इशूज़ का परेशानी होता है कि एप्लीकेशन को यूज़ करने में, या फिर अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ बताया जाता है, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। एंड अगर बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ गंदा सा इसका सीनियर आ गया, वो 50 रुपये हाइड बैलेंस के लिए जो कस्टमर 100 करवा डिपोजिट तो 50 रुपये क्रेडिट करेंगे। इनमें ऐसे भी एयरटेल कस्टमर पेटीएम मुकाबले बहुत कम आ रहे थे, और एयरटेल को पेटीएम सीखना चाहिए कि उसे कंपिटेटर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लाता, वो जैसे वो करते हैं कि वैसे वगैरह प्रॉफिट करने पर वैसे करें, नॉर्मल सा इंटरफेस रख के पेमेंट करें, कस्टमर को यूज़ करने को बोले, कस्टमर ऐसे भी अकाउंट खुलवाते हैं तो यूज़ करने के लिए ही खुलवाते हैं, ऐसे फालतू में खुले छोड़ने के नहीं करवाते जो भी कस्टमर यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बेकार सा लगा 50 रुपये ऐड करने का। और एयरटेल के साथ ही साथ यहाँ इंश्योरेंस वगैरह करो, देखिए यहाँ से आपने देखते हो जैसे एप्लीकेशन ओपन किए हैं तो इंश्योर योर शॉप टुडे वगैरह, खुद की इंश्योरेंस कर दो दूसरे की करो, तो यहाँ फालतू का ये कॉन्सेप्ट पेटीएम भी है वो भी फालतू में समझता हूँ, इसमें भी है वो भी फालतू समझता हूँ। यहाँ पर कंपनी अपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, कंपनी ये नहीं कि हमारे जो रिटेलर काम कर रहे हैं तो उनको चलो भाई फ्री में इंश्योरेंस देते हैं, हमारा काम कर रहा है हम उनसे प्रॉफिट कमाते हैं उसके इंश्योरेंस भी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसी कुछ नहीं रहती है। आप अपने ही पैसे लगाओ, कंपनी को भी आपसे ही प्रॉफिट हो रही है और आप जो भी इंश्योरेंस है उससे प्रॉफिट कंपनी लेनी चाहती है, बेवाहियात सा मुझे लग रहा है। इनकी क्या होती है कि आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये एडमिन टू बैलेंस का ऑप्शन, आपको कैसा लगा इसके ऊपर भी कमेंट करके अपना राय जरूर दे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो से लाइक करें, वीडियो कोई सुझाव राय प्रतिक्रिया आपकी प्रॉब्लम परेशानी जो भी इशूज या आपकी इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चाहे नए हो पहली बार आए ऐसे नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट गेमिंग एंड ऑफर एंड टेक्नोलॉजी के टैक्ट एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट रिलेटेड पाने चाहिए तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक्निकल सिम साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।